हेलो एवरीवन व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई कम विथ ए टॉपिक्स रिलेटेड टू डिलीवर्ड ए फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर्स इन प्रीवियस लेक्चर्स. दिस लेक्चर फॉर बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक ऑनर्स. This is a series of lectures which financial system को हम इसमें discuss कर रहे हैं. और financial system के topics पर हम पिछले दो lecture में हमने banking system को discuss किया था part third student के लिए. तो बैंकिंग सिस्टम को हमने लेक्चर वन ऑफ बैंकिंग सिस्टम लेक्चर टू में हम डील किया था कि उसमें क्या हमें पढ़ना है. और उस टाइम ही हमने बताया था कि इसे हम टू पार्ट्स में करेंगे बैंकिंग सिस्टम को, और एक अलग पार्ट्स में हम सारे जो बैंकिंग सिस्टम के अलावे जितने आते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो आज हम आपके सामने फाइनेंशियल सिस्टम का टॉपिक फिर से हम लेकर आए हैं. और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, होल फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, और मेरा जो टॉपिक है जो इंडिया के बेस पे है, इन फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया हम इसको कह सकते हैं, इन इंडिया. और इसमें जो यहाँ जो टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम को, सबसे पहले हम डिवाइडेड इंटू फोर सब कैटेगरी इन फाइनेंशियल सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन दिस कैटेगरी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नंबर वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज. सो फाइनेंशियल सिस्टम डिवाइडेड इंटू फोर सब कैटेगरी, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. वन बाय वन आई डिस्कस वेरी इजली एंड ब्रॉडली टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स. सो in the financial institution also divided into two parts. One part is banking institution. So banking institution I discussed previously in two lectures. So here banking institution avoided and not discussed on the topics of banking institution. This is a discussion. If I discuss banking institution, that's only taking of the time, wasted of the time in the lecture. So banking institution I discussed previously, and you interested to know, so search for the banking system lecture 1 and lecture 2 and detail, get all details of the financial institution. So next parts of the financial institution in non-banking institution. So non-banking institution is also divided into two parts. That means one is organized financial institution, or another is unorganized financial institution. First of all, in the introduction I brief the structure of financial Indian financial institution, then I discuss it broadly. Second parts में जो हम किए हैं, डिवाइड किए हैं फाइनेंशियल मार्केट को, हम लिए हैं फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज मनी मार्केट एंड अनदर इज कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट हम यहाँ पर डिवाइड किए हैं, एक ऑल्सो डिवाइड मनी मार्केट एंड बी हम इसको कैपिटल मार्केट में डिवाइड किए हैं. मनी मार्केट डील्स थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. वन इज कॉल मनी मार्केट, another is treasury bill and another is commercial bills. These are the parts of money market. And next, capital market primary market
सेकेंडरी मार्केट एंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स मार्केट. सो कैपिटल मार्केट डील्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टर्म्स ऑन द अकॉर्डिंग टॉप्स टर्म्स एंड टाइप्स. मैंने टर्म्स दैट मीन्स रिलेटेड टू टाइम एंड टाइप्स रिलेटेड टू देयर फीचर्स. टर्म्स शॉर्ट टर्म्स, मीडियम टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स. टाइप्स प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटीज एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट. सो फाइनेंशियल सिस्टम इज डिस्कस. नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो लास्ट है. फाइनेंशियल सर्विसेज दैट मीन्स ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द फंड बेस्ड, फंड के आधार पे. वह हाउ मेनी फंड्स, हाउ मच फंड्स इन स्टोरेज इन दिस फंड. इस तो फंड के आधार पे डिवाइड किए गए हैं और फी बेस्ड के आधार पे डिवाइड किए हैं, इसमें कितना किस तरह का फी होता है. फिर क्या इसका है, लेजिंग, हायर परचेज और फैक्टराइजिंग, फैक्टरिंग, और जो फी बेस्ड में है मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एंड मर्जर. ये सब सारे चीज को हम यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम में, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हुआ, जो होल स्ट्रक्चर जो फाइनेंशियल सिस्टम का है वो हमारा इतना ही है. अगर इस तरह का चार्ट हमारे माइंड में रहेगा तो हम इस तरह का चार्ट लाने का पर्पस यह है कि अगर एक तरह इस तरह का चार्ट अगर हमारे पास माइंड में आ गया तो एग्जामिनेशन में डील करना बहुत ही आसान होगा. और खास करके अगर यह भी आप बना दें एग्जामिनेशन में तो एग्जामिनर जो होगा तो आपसे बातों से कुछ हद तक अंडरस्टैंड हो सकता है. सो आई कम टू द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिनेशन. व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? तो फाइनेंशियल सिस्टम इज द सिस्टम दैट्स अलाउड द एक्सचेंज ऑफ फंड, एक्सचेंज ऑफ फंड्स अमोंग फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज लेंडर, ब्रोअर, डिपोजिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कहने का मतलब यह हो गया कि हिंदी में अगर इसको हम कहते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम वह सिस्टम है जिस जो हमें परमिट करता है, अलाउ करता है, अधिकार देता है फंड का एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए हमें अलाउ देता है, परमिशन देता है. और वह अलाउ देता है, परमिशन देता है, उसको परमिशन देता है जो फाइनेंशियल मार्केट का के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, वह काम जो करने वाले के रूप में हो सकते हैं, जो लेंडर के रूप में हो सकते हैं, डिबिटर के रूप में हो सकते हैं, डिपोजिटर के रूप में हो सकते हैं, परचेजर के रूप में हो सकते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं. अब हम यहाँ पर इसका डिफिनीशन हम क्लियर कर दिए कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम. हम अब वहां से यहाँ पर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी ऑल नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वन इज फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अनदर पार्ट इज अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो हम बता चुके हैं कि बैंकिंग को इंस्टीट्यूशन को हम डील कर दिए हैं. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में होता है जो क्या कि हम दो पार्ट में यहाँ पर ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डील अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इन दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन players are individuals, participants are individual such as individual lenders, individual group of participants but they not listed and on the matter of litigation in the government schedule. But organized financial institution, in this financial institution that means banking system financial institution, in the formal financial institution system comprises financial institution, financial market, financial instrument and financial services. ये सब सारे चीज को हम यहाँ पर डील करते हैं जो यहाँ पर आता है.
फिर हमारा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द पार्टिसिपेंट्स इज ए फाइनेंशियल मार्केट, दे आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे कलेक्टेड रिसोर्सेज बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन एंड लेंड टू द ट्रेड ट्रेड इंडस्ट्री एंड अदर, दे बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे फंड का मोबालाइज किया जाता है। फंड का मोबालाइज किया जाता है कैसे, बाय द इंडिविजुअल कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट लेंडरिंग एंड फाइनेंसिंग टू द ट्रेडर्स बैंकर्स मर्चेंट्स। सो दिस इज ए नोन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासिफाइड एज, और सो यहाँ पे हमें एक चीज देखने का है कि इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने वाला और कंट्रोल करने वाला, एडवाइस करने वाला एक अलग एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंशियल मार्केट को गाइड करने वाला और ऑपरेट करने वाला एक अलग इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन कौन है, सो हम यहाँ पर देखते हैं। रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द टू मेजर रेगुलेटरी एंड प्रोमोशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर, यहाँ पर है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू इम्पॉर्टेंट एपेक्स इंस्टीट्यूशन डील्स दिस टू इंस्टीट्यूशन, दैट मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट। वन इज आर बी आई, वी ऑल नो अबाउट आर बी आई इज ए कंट्रोलिंग बॉडी एंड गाइडलाइन अथॉरिटी ऑफ द आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड नेक्स्ट इज सेबी। सेबी एक आप लोग के लिए सोच सकते हैं, जो बिगनर्स होगा उसके लिए अलग चीज होगा सेबी। सेबी इसका पूरा फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह जो है फाइनेंशियल मार्केट का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और यह डील करवाता है फाइनेंशियल मार्केट को, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होता है, डील होता है। ऑल टाइप्स ऑफ द रूल रेगुलेशन डील बाय दिस टू एपेक्स बॉडीज। सो हम यहाँ पर एक चीज आ गए। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट है, हम यहाँ पे अब बढ़ते जाते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में हमको चर्चा नहीं करना है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें चर्चा करना है, जो हमारा यहाँ पे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मोबालाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पीपुल, दे लेंड फंड्स बट नॉट क्रेडिट। दिस इज इट, लेंड फंड्स बट डू नॉट क्रिएट क्रेडिट। और दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज लाइक LIC, इस कैटेगरी में हमारा क्या क्या आ सकता है, नॉन बैंकिंग में आ सकता है जो है कि LIC, GIC, UTI, डेवलपमेंट बैंक, ये सब सारे जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ सकता है। और ये इसका जो प्रकार इस तरह से हो सकता है, दे लेंड बट नॉट क्रिएट क्रेडिट, इसका एक का फीचर है। यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या LIC आ सकता है, GIC आ सकता है, UTI आ सकता है, ये सब सारे चीज आ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज फॉर ऑफ फंड ETC फॉल इन दिस कैटेगरी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी कैटेगराइज एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउसिंग कंपनी, ये सब सारे चीज को आ जाता है। अब हम आते हैं, ये सब हो गया, अब यहाँ पर आते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट जो मेरा मेन टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट डील इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल मार्केट आर द सेंटर और अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लेम एंड सर्विसेज। दीज आर द मार्केट इन विच मनी एज वेल एज मोनेटरी क्लेम
इज ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट एग्जिट व्हाट एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड इशू ऑफ इक्विटी स्टॉक बाई ए कंपनी, परचेज ऑफ बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, डिपोजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब सारे चीज का क्या होता है, ट्रेडिंग होता है फाइनेंशियल मार्केट में होता है. सो दैट मीन्स हियर ए रियल रियल लीगल टेंडरिंग रियल लीगल टेंडरिंग बाय द ऑन द पेपर दैट सिक्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट बॉन्ड सारे चीजों का यहाँ पर से ये होता है. हम इसमें यहाँ पर करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इसका काम क्या है, टू फैसिलेट क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी. यहाँ पर क्या करता है, एलोकेशन फंड का एलोकेट करता है और क्रिएट लिक्विडिटी का. यहाँ है टू नेक्स्ट है सर्व एज इंटरमीडियस और फॉर्मलाइज ऑफ सेविंग्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंस बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस टू कैटर टू द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब सारी चीज ये सब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है. अब जो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को हम टू पार्ट्स में हम बांटे हैं, वन इज मनी मार्केट एंड वन अदर इज कैपिटल मार्केट. सो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मनी मार्केट इज ए शॉर्ट मनी शॉर्ट मार्केट शॉर्ट टर्म्स मार्केट बट कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म मार्केट. मनी मार्केट डील्स कॉल मनी मार्केट ट्रेजरी बिल कमर्शियल बिल और व्हाट इज दिस आई डिस्कस वेरी शॉर्टली. कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट. तो यहाँ पर ये हमारा है कॉल मनी मार्केट. मनी मार्केट क्या है, ये मनी ये मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फर्म आर ब्रोवेड एंड लेंड इज कॉल मनी मार्केट. यानी कि कम समय के लिए जब मनी को बोरो किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट. हम इसको मनी मार्केट कहते हैं, उसको शॉर्ट टर्म होता है या शॉर्ट टर्म के. इट डील्स इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट विथ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ वन ईयर और लेस. इसका जो टाइम पीरियड हो सकता है वन ईयर और उससे कम हो सकता है बट नॉट एग्जिस्ट मोर देन वन ईयर. लिक्विड फंड्स एज वेल एज हाईली लिक्विड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल मार्केट कॉल मनी मार्केट कमर्शियल बिल मार्केट. ये सब सारे चीज हो सकते हैं. कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट इज ए लॉन्ग टर्म मार्केट. कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म. दिस मार्केट डील्स इन द लॉन्ग टर्म क्लेम सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स विथ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर्स. कहने का मतलब है कि ये जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट है और ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट है. और जो कॉल मनी मार्केट है यहाँ पर जो हम अब यहाँ पर डील कर रहे हैं जो है प्राइमरी मार्केट क्या होता है. इसी में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट दिस इज अ मार्केट इन द मैटर रिलेटेड टू अ स्टॉक एक्सचेंज. इफ ए कंपनी सेल देयर शेयर्स इन फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट पीरियड अकॉर्डिंग बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी मार्केट. अगर कोई कंपनी अपने कंपनी का शेयर को सेल करता है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ट्रेड है रिलायंस इंडस्ट्री है वो अपने कंपनी का शेयर मार्केट में उतारना चाहता है तो पहली बार जो भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में जो उतारेगा शेयर मार्केट में जब उतारेगा तो किससे उतारेगा प्राइमरी मार्केट थ्रू आएगा. प्राइमरी मार्केट से शेयर मार्केट में चला गया तो उसे उस तरह का मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट जहाँ पे कोई भी कंपनी अपने शेयर को फर्स्ट टाइम वो इसे मार्केट में जब लाता है. सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट वह मार्केट है जब स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक एक्सचेंज में प्राइमरी मार्केट के बाद जब शेयर को बेचा जाता है सेलिंग एट अनकाउंटेबल टाइम्स मेरे पास गया फिर उसे हम शेयर करके मार्केट अप एंड डाउन जा रहा है तो उस कंपनी के शेयर को हम किसी दूसरे के यहाँ बेच रहे हैं या फिर वो हमारे के यहाँ बेच रहा है तो इस तरह का जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. और जो यहाँ पर नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट दिस इज ए वेरी मॉडर्न एंड इनोवेटिव टाइप्स ऑफ मार्केट इन द न्यू इन द फाइनेंशियल मार्केट जो हमारा जो एक अलग तरह का है सेकेंडरी मार्केट. अब यहाँ पर
हम इस तारे को सारे को हम डील कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉल मनी मार्केट, जो हम कॉल मनी मार्केट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, क्या है कॉल मनी? इज रिक्वायर्ड मोस्टली बाय द बैंक, कमर्शियल बैंक बोरो मनी विदाउट कोलेटरल फॉर। कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के कॉल मनी मार्केट का सबसे ज्यादा जरूरत कमर्शियल बैंक को पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि कमर्शियल बैंक, जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ CRR की हम चर्चा किए थे, हर एक बैंकिंग को बैंक को अपने एक रिसोर्स के रूप में, एसेट्स के रूप में CRR एक फिक्स टर्म के शेयर में रखना होता है। अगर इस सिस्टम को अपने बिजनेस को चलाने के लिए कहीं लैप्स करता है तो क्या कमर्शियल मार्केट मनी मार्केट से क्या करता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड्स टाइम के लिए वह मनी को वहां से मंगवाता है और वो क्या करता है अपने बिजनेस को मेंटेन करता है, बट वेरी शॉर्ट टाइम्स के लिए, लगभग वन टाइम के लिए करता है, वन डेज के लिए, फ्रॉम अदर बैंक टू मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस नोन एज CRR। दिस इंटर बैंक ब्रोविंग हैज टू बी डेवलपमेंट ऑफ द कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड लोन ऑफ मनी इज लेंड टू डे, यहाँ पर डे टू डे करते हैं, और मैक्सिमम इसका जो बताया गया है 14 डेज का होता है। पार्टिसिपेंट्स और प्लेयर इन द कॉल मनी मार्केट आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और इस तरह का बैंक को हो सकता है। कमर्शियल बिल मार्केट यहाँ पे हमारा ये जो कमर्शियल बिल मार्केट, दिस मार्केट इज एनोदर सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट, इट इज ए मार्केट इन विच कमर्शियल बिल शॉर्ट टर्म और ब्रॉट और सोल्ड। ये सब जो कमर्शियल बिल मार्केट जो है छोटा छोटा सो कंपनी से जो हम यहाँ पर निकालते हैं, ट्रेजरी मार्केट बिल मार्केट वो होता है जो एक शॉर्ट टर्म के लिए, जब मार्केट में ट्रेजरी बिल मार्केट इज ए मार्केट विच डील इन ट्रेजरी बिल इन विच मार्केट ट्रेजरी बिल आर बॉट एंड सोल्ड। ट्रेजरी बिल इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ये सब सारे चीज को हम यहाँ पर डील करते हैं कि जैसे ट्रेजरी बिल मार्केट सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड के रूप में, एसेट के रूप में, ये सब सारे चीज को जब निकाला जाता है अब फंड को मोबालाइज करने के लिए, इफ गवर्नमेंट हैव नीड ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंट, सो गवर्नमेंट इन द टू हैव ए टू वे टू जनरेट फंड, आइदर कलेक्टिंग इन रेवन्यू एंड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड अनदर वेज इज सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, देयर बॉन्ड, देयर एसेट्स अमॉन्ग द पीपुल एंड कलेक्ट मनी फॉर द डेवलपमेंट। ये सब सारे चीज को यहाँ पर करता है प्राइमरी मार्केट समापन लिए। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम यहाँ पर करेंगे चर्चा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम मनी मार्केट में जाकर अपने बिजनेस को करते हैं। तो बिजनेस को जो हम करते हैं, माने कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म मार्केट है, मीडियम टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म मार्केट है। जिस तरह का कॉल मनी मार्केट को हम जहाँ शॉर्ट टर्म मार्केट यहाँ पर कर रहे हैं, मीडियम टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, जो हम शेयर को वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, वो हमारा है। फिर यहाँ पर है प्राइमरी सिक्योरिटीज, यहाँ भी प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड है। सेकेंडरी सिक्योरिटीज, यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है। इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो न्यू पर डे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में जो आता है उस तरह का है। अब हम यहाँ पर आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज दैट मीन्स जो अब हम कहीं कोई किसी से जैसे कि हम कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं से हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकर्स के थ्रू इस सब सारे चीज को ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर आता है लेजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग। ये सब शेयर मार्केट का टॉपिक्स है, शेयर मार्केट से ये सब सारे चीज रिलेटेड है। अब यहाँ पर फी बेस्ड, यहाँ पर फी जो हम वहाँ पर बोले कि जब हम किसी सिक्योरिटी को किसी को हम लेते हैं तो यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग है, क्रेडिट रेटिंग है और मर्जर है। क्रेडिट रेटिंग, उस रेटिंग को हम यहाँ पर इस रेटिंग से हम रिलेटेड करते हैं कि जब किसी कंपनी का शेयर मार्केट में आता है तो उसका क्रेडिट रेटिंग देखा जाता है, और वह रेटिंग का काम, रेटिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल दो तीन रेटिंग है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का नाम आप सुने होंगे, S&P बहुत ही पॉपुलर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्रिसिल, ये सब सारे चीज जो है ये हमारा किसी भी बैंकिंग का
जो है मूडीज, ये सब सारे जो है मूडीज मूडीज ये सब सारे क्या है, रेटिंग कंपनी है। अब यह रेटिंग कंपनी क्या करता है कि बैंकिंग को, सॉरी कंपनी को, और कभी कभी तो सरकार के भी इकोनॉमी को रेटिंग आजकल तो इन लोगों ने देना शुरू कर दिया है, पर खास करके हम जो डील कर रहे हैं कंपनी के रेटिंग को डील करता है। और जब कंपनी के रेटिंग इसके इसके रेटिंग से अच्छे हो जाते हैं तो उसके जो जो बिजनेस है फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटीज है वो क्या होता है कि अच्छे तो, सेलिंग इसका बिजनेस जिसको बोलते हैं इस तरह का होता है। तो हमारा ये हमारा लेजिंग, यहाँ पे लेजिंग है, यहाँ पर मर्जर एक है, मर्जर्स एक पॉलिसी है कि दो कंपनियों के बीच में आपस में मर्ज करना और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस इन कंट्री एंड ऑन द फ्लोर ऑफ ग्लोब ग्लोबल लेवल पे। तो ये सब सारे चीज को हमारा यहाँ पे मर्जर के बेसिस में आता है। बहुत सारे कंपनियों को आप लोग देखते होंगे कि एक दूसरे में किसी का शेयर कोई खरीद करके या फिर किसी के में मर्ज कर गया, तो ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से इस तरह का काम ये करता है। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट दोनों के चीज को हम यहाँ पे लेकर आए, डिस्कस किए और ये टॉपिक्स इस तरह का जो डायग्राम के थ्रू हमने किया है। सो होप दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट थर्ड। थैंक यू।